गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास सिक्स आप लोग देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को पार्ट सेवन हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक और गौर से सुनोगे। मॉरीशस एक देश है, उसकी राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरीशस देश में हिंदुस्तान की छत कैसे है और किस तरह? मॉरीशस का की लगभग 77% आबादी भारत के लोगों की है। मॉरीशस में लगभग 77 यानी तिहाई भाग से ज्यादा आबादी कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के लोगों की, इसलिए उनका रहन सहन भारतीय ही है। यद्यपि पाश्चात्य संस्कृत के प्रभाव से अब मॉरीशस भी अछूता नहीं है। वहाँ के रहन सहन पर धीरे धीरे हिंदुस्तान का प्रभाव पड़ने लगा, किंतु भारतीय मूल के लोगों का रहन सहन आज भी भारतीयों जैसा है। खान पान में मॉरीशस के मूल निवासी जो हैं वे मांसाहारी हैं, परंतु भारतीय मूल के लोग आज भी शाकाहारी ही हैं। अब धीरे धीरे कुछ भारतीयों ने भी मांसाहारी अपना लिया है, इसलिए अब वहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग हैं। पहनावों में वैसे तो पैंट शर्ट, हाफ पैंट, स्कर्ट आदि का प्रचलन वहाँ था, लेकिन भारतीय मूल के लोग आज भी अपने त्योहारों और विवाहों के अवसर पर भारतीय वेशभूषा अपनाते हैं, जिसमें भारतीय मूल की स्त्रियाँ सामान्य जीवन में भारतीय पहनावे में ही दिखाई पड़ती हैं। त्योहारों का तो यह अमल है कि भारत के सभी प्रमुख त्योहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्योंकि भारतीयों में सबसे अधिक संख्या बिहार प्रांत की है, इसलिए बिहार के प्रसिद्ध त्यौहार छठ है। वो लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों व्रत रखते हैं। प्रातः और सायं दोनों समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों का त्यौहार क्रिसमस व ईस्टर भी है मनाते हैं। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्रिसमस और ईस्टर करने का मतलब वहाँ पर अधिक लोग क्रिश्चियन ही थे, ईसाई रहते हैं। और ये लोग रहने के साथ साथ वहाँ पर क्रिसमस और ईस्टर दोनों त्यौहार भी मनाते हैं। इस प्रकार सभी मिलजुल कर संस्कृति का आनंद लेते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। और वहाँ पर अधिकांश खेती गन्ने की होती है, जिससे एकमात्र उनका मुख्य उद्योग चीनी है। ओके, आशा करती हूँ बच्चों जो मैंने बताया आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आप बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाया है। और कुछ शेर शिकार
ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर कल ईश्वर ने चाहा तो फिर भी